दोस्तों सावन आने में अब सिर्फ 3 से 4 दिन रह गए हैं, पर सावन की जो छटा होती है वो अभी से ही ना, आप देख सकते हो ये काली काली घटाएं, माँ गंगा की ये उफनती हुई लहरें और सामने ये लगभग पूरी तीव्रता से चलता हुआ माँ गंगा का जल। तो मेरे पीछे दिख रहा है आपको हरिद्वार, पंचपुरी, मायापुरी, पता नहीं कितने इसके अनगिनत नाम है, और ये अब यहाँ से लेके 1 महीने तक इस पूरे भारत का सबसे इम्पोर्टेंट शहर रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पे शुरू होने वाला है कावड़ मेला, दुनिया का सबसे बड़ा पैदल यात्रा मेला होता है। और मैं इस वक्त हरिद्वार के हर की पौड़ी पे ही खड़ा हूँ, जो तमाम मैं आपको हाल दिखाता रहता हूँ। और आज है 17 जुलाई, 17 जुलाई के दिन फिर से मैं आपको हरिद्वार हर की पौड़ी के ताजा दर्शन कराने आया हूँ। लगभग 1 हफ्ते पहले मैंने वीडियो बनाई थी और 1 हफ्ते से कोई वीडियो नहीं है, और 1 हफ्ते में बहुत कुछ बदल गया है। पहले घाट थोड़े खाली थे, पर अब घाट बढ़ने लगे हैं और घाटों पर बम भोले और जय भोलेनाथ की जो जयकारे हैं उनके स्वर ऊंचे और ज्यादा होते जा रहे हैं। तो आज इसी पे होने वाली है वीडियो, मौसम कैसा है, भीड़ कैसी है, गंगा जल कैसा है, सब कुछ मैं इस वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा। तो वीडियो को दोस्तों एंड तक जरूर देखते रहें, कमेंट में हर हर गंगे लिखते रहें और इसे शेयर करें सभी के साथ। अभी आप देख सकते हो मेरे कपड़े गीले हुए रखे हैं, क्योंकि यहाँ से आधे घंटे पहले यहाँ पे बारिश हुई थी। बारिश बिल्कुल वैसी नहीं हो रही है जैसी हरिद्वार जाना जाता है, पर बारिश मतलब ना के बराबरी हो रही है, बहुत कम हो रही है, पर आज थोड़ा बारिश का मौसम अच्छा है। जो आपको ये घाट नजर आ रहे हैं ना, ये सारे घाट ना हर की पौड़ी के सहयोगी घाट आप इन्हें बोल सकते हो। जब हर की पौड़ी, जो मुख्य हर की पौड़ी घाट पर जब भीड़ बढ़ती है तो सारी भीड़ों को यहीं डाइवर्ट किया जाता है, मतलब बोलो तो आगे से पीछे तक पूरा आप पूरा यहाँ पे गंगा स्नान वगैरह कर सकते हो, आराम से वॉकिंग करते हो। मैंने बाइक पीछे ही खड़ी कर दी क्योंकि यहाँ पे काम चल रहा है कुछ। नज़ारा अद्भुत है, एक तो ये काली काली घटाएं, उसके बीच में माँ गंगा की ये धाराएं, और धारा के ऊपर बिल्कुल पास में सबसे क्लोज शॉट मिल जाता है यहाँ पे माँ मनसा देवी मंदिर का। दिन का समय है ना, 2 बज रहे हैं, तो उतनी ज्यादा भीड़ अभी नहीं है, ज्यादा नहीं आदमी थोड़े बहुत हैं, पर अब हर दिन के साथ, हर रात जैसी बीतेगी हर दिन के साथ आप देखोगे कि मतलब महासमुंदर आने लगेगा श्रद्धालुओं का, यात्रियों का, कावड़ियों का। बहुत अपने भाई ना पार्किंग को लेके बहुत सवाल कर रहे हैं कि पार्किंग का कैसे होने वाला है इतनी भीड़ में। तो देखो मैं आपको बताऊं, तो ये रहा आपका रोड़ी वेल वाला घाट, इसे बोला जाता है, हर की पौड़ी से पास में है ये पूरा घाट है, और ये घाट के समीप ही आपको ये पार्किंग नजर आ रही है जिसका काम चल रहा है बड़ी तेजी से। तो थोड़ा पार्किंग दिखा देता हूँ। देख सकते हैं ये हो रहा है पार्किंग का निर्माण, यहीं पे आप अपनी बाइक कार वगैरह लगाओगे, सारी पेड पार्किंग होगी, पर एक नई तरीके से बनाया जा रहा है। पिछली बार क्या है, मिट्टी धस रही थी, पानी भर रहा था, तो ये देखो ये काम चल रहा है, तो ये आपको मिलने वाली है, बस कुछ दिन के अंदर इसका काम पूरा हो जाएगा। ये JCB वगैरह चल रही है और ये रूट से आप सीधा हर की पौड़ी जा सकते हो। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि आने वाली जितने भी अब वीडियो आएंगी उसमें बहुत छोटी छोटी और इम्पोर्टेंट बातें भी मैं कवर करूंगा। तो अगर आप लगातार वीडियो देखते रहोगे तो अगर हरिद्वार आने वाले हो तो बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो जाएगी। वीडियो बड़ी होती है 10-12 मिनट की, तो उसमें हम बहुत सारी चीजें कवर करते हैं, तो आपके जो मन के सारे डाउट है वो दूर हो जाते हैं। जब आप थोड़ा सा आगे बढ़ते हो तो एक जे वाला भी रास्ता है, गऊ घाट जिसे बोलते हैं, आप पढ़ सकते हो ऊपर गऊ घाट दिख रहा है आपको, ये भी आपको सामने दीनदयाल जो उपाध्याय पार्किंग है वहां से आप आते हो। यहां से चलते हुए जाते हो तो आगे चले जाओगे आप शिव सेतु की तरफ, और इधर से तो आप अपनी गंगा पूरी पार करके दूसरी तरफ चले जाते हो। क्या नाम क्या भैया का? अनुज भैया, विद फैमिली आए हो भैया? फोटो कैसा लगा अभी तक हरिद्वार आके? गंगोत्री गए थे ऐसे में, और क्या निकले, बिल्कुल बारिश नहीं है, बारिश नहीं हो रही गंगोत्री, बिल्कुल बारिश नहीं है, बहुत अच्छे रास्ते हैं। हम लोग 5:30 निकले थे और हम लोग 6:30 में ऋषिकेश आ गए हैं। अच्छा अच्छा, और हम लोगों को फाटक पे यहाँ भी कोई जाम नहीं मिला, कोई लैंडस्लाइड वगैरह कोई कुछ नहीं, बस अच्छे मतलब माँ गंगा के दर्शन हो गए, बहुत अच्छे दर्शन हुए, बहुत बहुत आप बहुत भाग्यशाली हो भैया जो हो गए पूरे परिवार के साथ। ठीक है ठीक है, क्या नाम है छोटू? लक्ष्य। और भैया देखो सावन की यही रौनक है, अब आपको ना हर जगह ढोल नगाड़े और बोलते हैं ना डमरू, इस तरीके की बजने की आवाज़ अब आपको पूरे घाट घाट पे धीरे धीरे सुनाई देती जाएगी। कावड़ी आपको पता है बहुत मौज मस्ती के साथ, बहुत ही अपने आनंद के साथ अपनी यात्रा करते हैं, तो हर तरफ आपको ऐसे ही नजर आएगा। तो यहाँ से तो बहुत तेज निकल रहा है जल। जल लेके जाया जा रहा है ढोल के साथ, ऐसे ऐसे भक्त हैं।
अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक की, बारिश की। बारिश का क्या हाल है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश का आप सोचते होंगे ना। तो सच बताओ दोस्तों, बारिश ना के बराबर हो रही है और गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा, उमस वाली गर्मी। मतलब अब अगर कोई ठंडा वाला दिन है तो आज लग रहा है ठंडक सी थोड़ी अच्छी से लग रहा है, बारिश बिल्कुल नहीं हो रही है। पहाड़ों तरफ भी वो वैसी ही है, परेशानी हो गई होनी जितनी थी। तो बारिश हुई थी 2023 में, पिछले साल जब मैंने पूरा सावन बनाया था ना भाई, मैं कह रहा हूँ मैंने अपनी लाइफ में इतनी बारिश नहीं देखी थी। अब यहाँ से शिव सेतु पे आ गए और शिव सेतु से एक प्रॉपर बोलते ना ब्रॉड व्यू आपको यहाँ पे दिखाता हूँ मैं गंगा जी का। एक अच्छा व्यू चल रहा है यार, इतने नीला नीला काले काले बादलों के बीच में लोग चल रहे हैं, यही तो एकदम हर की पौड़ी को सबसे दिव्य यही बना देता है। तो पूरा शिव सेतु पार करके अब यहाँ से जो मुख्य सबसे मुख्य जो घाट है ना, अब उसमें हम एंट्री करते हैं। यहाँ से जैसी सीढ़ियाँ उतरते हो आ जाता है आपका नाई घाट और मालवीय घाट, ब्रह्मकुंड और संजय पुल। तो अभी वहीं पे जाते हैं। नाई घाट मेरा हमेशा से बहुत सबसे पसंदीदा स्थान रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो गंगा जी है ना वो असली जो उनकी रफ्तार है उस तरीके से निकलती हैं। देखो आप नाई घाट को देख सकते हो और बीच में गंगा जी का जो प्रेशर है, बहाव है, ज़रा वो चेक कर लो। और ये ऊंची और ऊंची होती जाती है, जैसे जैसे यहाँ पे आप देखोगे ना यहाँ पे गंगा जी की धारा तेज होगी तो ये रैपिड और ऊंचे हो जाएंगे। और प्रेशर के साथ गंगा जी चलती है ना, जरा वो चेक कराते हैं। ये देखिए यहाँ तो और ज्यादा ताकत के साथ निकलती हैं, ये थोड़ी और बड़ी धारा है। बाकी रही नीलकंठ की, तो नीलकंठ का भी बहुत लोग कह रहे हैं कल आपको नीलकंठ के दर्शन कराते हैं। चलिए कल चलेंगे नीलकंठ और नीलकंठ का ब्लॉग जरूर देखिएगा। इस टाइम का जो टाइम होता है ना, ये काफी पहले का टाइम होता है, क्योंकि इनको बहुत हैवी कावड़ उठानी पड़ती है और जब हैवी कावड़ उठती है तो उनके लिए टाइम ज्यादा चाहिए। तो अभी ये देखिए निकले हैं लगभग 20-25 दिन पहले ही। ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो मुझे दिख रहे हैं, बस कठिन तपस्या है भाई ये। हम कहाँ से हो बोले? दहाने से, टाटा चौराहे से, यूपी हापुड़। अच्छा हापुड़ से हो, यार बहुत दूर होता है हापुड़ तो। अभी से जाओगे? कितना वजन ले रखा आपने गंगा जल? कितने जने हो आप, कितने भोले हो? 14 जने हो। सबका अलग अलग है, सबका अपना अलग अलग है, कोई गाड़ी वाड़ी नहीं है, कंधे पे लेके जाओगे? बड़े बात है, श्रवण कुमार वाली। अच्छा इसमें आप पेरेंट्स को लाए हैं? क्या नाम है भैया आपका? हम, मेरा नाम आकाश है। आकाश है और मेरे साथ का, तो आपके साथ मम्मी आपकी है ना, माता जी? अच्छा कहाँ पे है माता जी? माता जी। कैसा लग रहा है आपको कलयुग में श्रवण कुमार जैसा बेटा मिला है माता? है अच्छा लग रहा है? जिस जमाने में घर पे आपको पता है अपनी प्रॉपर्टी के लिए जायदाद के लिए माँ बाप को निकाला जाता है, यहाँ पे ये भाई हमारा मतलब इतना परिश्रम करके जाएगा। हापुड़ की लगभग होगा 150-200। मेरा दिल्ली है, दिल्ली। सबसे अच्छी बात पता है क्या, ये हल्ला करने वाले कावड़ ही नहीं है कि इनको डीजे चाहिए, ये अपनी शांति से आए हैं, अपनी भक्ति के साथ आए हैं। कब आएंगे कब चले जाएंगे तो ये अपने असली भक्त होते हैं। तो आपको मैं मतलब आपकी भक्ति को बहुत ज्यादा प्रणाम करता हूँ। तो एक बार बोलेंगे हर हर महादेव। और यहाँ पे तमाम आपको अलग अलग जगह पे अलग अलग अपने गंतव्यों से आने वाले, अपनी जगहों से आने वाले अनेकों लाखों और करोड़ों भोले अब आपको नजर आने वाले हैं। एक ये अलग है, ये अलग कावड़े, अलग ग्रुप है भाई। यही तो इसलिए मैंने कहा ना आपको हरिद्वार के रंग में इसलिए दिखाता रहता हूँ, हरिद्वार में ही पूरा आपको भारत नजर आने वाला है। इतनी खूबसूरती, इतनी विविधता आपको सिर्फ हर की पौड़ी पे मिलेगी इस सावन के मौसम में। और बाकी हम ये भी सोचते होंगे कि इतना जब ये जल लेके जाते हैं और इतनी ज्यादा जल शेक करता है, हिलता है पर गिरता क्यों नहीं, तो इसके पीछे यह कारण है कि जब ये जल भरा जाता है तो एमसील से इसको पैक कर लिया जाता है। बिल्कुल है ना, एमसील लगा रहे हो भैया? कहाँ तक जाओगे आप लोग? अच्छा सारी दिल्ली की ओर। तो ये एमसील क्यों लगाया जाता है कि गिरे ना जल, लीक नहीं होता है ना, क्योंकि हिलते हो आप लोग इतना ज्यादा। हाँ कितना वजन लेके जा रहे हो आप? 31 लीटर। अलग अलग भाई। और आप भैया? अच्छा ये आप 20 लीटर। आपको दिख रही होगी ये भी ताजी ताजी लगाई है इन्होंने, ये दिख रही होगी आपको, ये भाई लगा रहे।
ब्रह्मकुंड आपके बिल्कुल ठीक सामने है, ये देखिए। और अद्भुत दृश्य देख रहे हो आप ब्रह्मकुंड का आज 17 जुलाई के दिन। तो भांति भांति की नाना प्रकार की आप कावड़े आपको मिलेंगी देखने को, आप ऐसे उठा के लेके जाए तो। और देखिए महादेव ने दुनिया उठा रखी, इन्होंने महादेव को उठा रखा अपने कंधों पे। बाबा को ही उठा लिया इस बार है, बाबा ने दुनिया उठा रखी अपने कंधे, बाबा को उठा लिया। कहाँ से आए बोले? पलवल हरियाणा। यार बहुत मतलब एकदम पूरी छटा दिखा दी तुमने तो महादेव को लेके। सो आपने उठा लिया ये, तो इनको कुछ नियम भी तो होंगे है ना? जी नियम तो अभी पहली बार आए हैं, पहली बार अभी तो यही बताएंगे हमारी गूगल के। चलो सही है यार, पूरा भारत नजर आएगा। मैंने बोला है आपको कावड़ में यहाँ पर सावन में, भाई हमारा पलवल से ही आया और महादेव को लेके ही पूरी यात्रा करेगा। बढ़िया भाई, हर हर महादेव। और भोलेनाथ के दर्शन के बाद अब मैं आपको महिला घाट पे ले आया हूँ, जहाँ पे महिला और पुरुष की अब कोई बात नहीं है, सिर्फ नाम का महिला घाट है। और ये आप देख सकते हो थोड़े बहुत लोग नजर आ रहे हैं, कमर तक गंगा जल चल रहा है यहाँ पर हर की पौड़ी पे। भाई कहाँ से आए हो बोले? पलवल हरियाणा। हरियाणा तो सारे एक ही पार्टी हो आप सब है, ये अलग है। तो महादेव को लेके चल रहे साथ में, स्टूल में बिठा रखा। तो देखो यार पवित्रता का भाव तो पूरा है और शुद्धता का भी रखा हुआ है। तो एक बार सब बोलेंगे हर हर महादेव। यही थी 17 जुलाई को मैंने आपको दिखाई कैसी चल रही है कावड़ की तैयारी, और हर की पौड़ी का ताजा हाल दिखा दिया है। भीड़ दिखा दी है, अभी तो नहीं है पर बढ़ने वाली है। गंगा जल मौसम सब कुछ बता दिया है। और अब जैसे जैसे हम सावन की तरफ बढ़ेंगे और पास में आएगा और अपडेट अब ज्यादा आपको लिए आती रहेगी। यहाँ तक वीडियो देखिए आपका बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत आभार। चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना और सभी के साथ शेयर करना। और देखते रहे दीपक बेदी ब्लॉग। हर हर महादेव।